স্বাগত আমি সঙ্গে রয়েছি এবং আমার পিছনেই রয়েছে ইন্ডিয়া গেট। দেশের বহু ঘটনার সাক্ষী কিন্তু ইন্ডিয়া গেট। নির্বাচনী কভারেজ করতে এসে কিন্তু নির্বাচনের কাউন্টিংয়ের জন্য কিন্তু আমরা চলে এসেছি দিল্লিতে এবং দিল্লির বিজেপির সদর দপ্তর থেকে কিন্তু আমরা আপনাদের সামনে সমস্ত ছবি তুলে ধরছি। এই মুহূর্তে আমরা ইন্ডিয়া গেটের সামনে রয়েছি এবং এখানে হাজার হাজার সারা বিশ্বের মানুষ ঘটে এবং বিভিন্ন বাইরে থেকেও কিন্তু বহু মানুষরা আসেন এখানে। আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলবো যে দ্বিতীয়বার আবার প্রধানমন্ত্রী আসনে এলেন নরেন্দ্র মোদী এবং ক্ষমতায় এলেন বিজেপি সরকার, কি আশা রয়েছে তাদের কাছে, সব কিছু আমরা জানবো তাদের সঙ্গে। মোদী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পিছনে ঘন্টা মে আপনার বিজেপি গভর্নমেন্ট আই হ্যাঁ ক্যা উম্মীদ হ্যায় উনসে আপ? पाँच साल हमने बैठे काम किया, पाँच साल और आगे जैसे बुलेट ट्रेन वगैरह उसका पेंडिंग में डला हुआ, आगे उसका प्रोसेस होगा और दिल्ली से भी काम हुआ। इंडस्ट्री एजुकेशनल हर एक विभाग को लेकर क्या हर एक विभाग में पहले से बैठे करने का काम जब भी होगी तो आगे काम करने के लिए चिंता नहीं। काम तो अच्छा करेंगे सर, उम्मीद है ज्यादा ज्यादा अच्छा काम करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे लोगों को। जॉब तो सभी चाहते हैं, अच्छी अच्छी होती सभी चाहते हैं, मिल जाए। और एजुकेशन के बारे में? एजुकेशन के बारे में तो मतलब प्रधानमंत्री की बहुत अच्छा कार्य करने वाली है। इस वक्त राहुल मिशन के पहले जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का शो उठाया था, उनका शो है जब स्लोगन उठाया था उन्होंने, पता ही था किस बारे में सबका अपना अपना कहना होता था। कोई वो कुछ कहते हैं उनके बारे में, कुछ उनके बारे में कहते हैं, सबका अपना अपना होता कहना है। बस अब आप फिर से प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी और अब तो युवा समाज है, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो अच्छी है, बस रोजगार देते हैं बस यही। और ये जो दिल्ली पर और सारे देश पर ये जो पहले की पश्चिम बंगाल में शिक्षा को लेकर लिटरेसी को लेकर बहुत प्रॉब्लम खड़ी हुई है, इसको लेकर आप बताएंगे क्या? आप क्या चाहते हैं इंडस्ट्री और एजुकेशनल बारे में? जो है आम जनता हम उनसे पूछेंगे जो पांच सालों में हुआ है, जनता में फिर से आती सेंट्रल में फिर से आती बीजेपी गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री के चेयर में बैठेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपका उम्मीद क्या है? हम ये चाहते हैं कि इस बार कुछ मिडिल फैमिली के लिए करे, क्योंकि पांच साल एक गवर्नमेंट के लिए काफी नहीं, उसको दस साल मौका देना ही था, इसलिए हम लोगों ने मौका दिया उनको। अभी हम चाहते हैं कि मिडिल फैमिली के लिए कुछ ना कुछ वो करे और अवश्य करेंगे, हमें जितनी उम्मीद है, बाकी गरीबों के लिए तो कर ही रहे हैं और भी ज्यादा करेंगे और सबका दिल भी जीतेंगे। मोदी के अलावा और कोई नहीं है इंडिया को ऊंचा उठा सके। डिमोनेटाइजेशन ऑफ जीएसटी जब उन्होंने लागू किया था सब बेस्ट है, उनके खिलाफ आवाज उठी थी और आज ये प्रमाणित हो गया कि फिर से मोदी आते और सारे देश में मोदी लहर छल गई है, क्या बताएंगे आप इस बारे में? वो विपक्ष पार्टी की आवाज थी, आम जनता की आवाज नहीं है, आम जनता खुश है सबसे, जीएसटी से कोई फर्क नहीं पड़ा है, जीवन से कोई फर्क नहीं पड़ा है, सब वैसे ही आज भी। बार बार एक बात हुई थी पॉलिटिकल पार्टी की मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि वो संप्रदाय दंगा बंधना चाहती थी, क्या आपको लगता है ऐसे झूठ बात है? नहीं ऐसा कोई बात नहीं, वो सब अपना झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं अपना फायदा उठाने के लिए, बाकी मोदी के राज में कुछ ऐसा होता नहीं, मोदी राज में सब अच्छा ही हुआ है। आपका नाम? जीएस जैन। फिर से मोदी जी आ गई है और सारे देश में मोदी लहर चल रही है, क्या बताएंगे आप इस बारे में? पूरा भारत में हर हर मोदी, घर घर मोदी है, क्योंकि हमारे मोदी जी सच्चे नेता है, वो मतलब सही बताते हैं देश के लिए, गरीब के लिए, वो सब मतलब वो कह रहे हैं कि हम गरीब के लिए करते हैं, गरीब की वो जाति ही बताते हैं और कोई जाति नहीं हमारे देश में, इसलिए मोदी को ये सच्चा नेता मान रहे हैं और सारे नेता को उससे सबक सीखना चाहिए कि देश की सेवा की कैसे क्या है। लेकिन एक आवाज उनके खिलाफ उठी थी कि जो विश्वकर्मा को लेकर जो
बात हुई थी कि उन्होंने परमा को लेकर कुछ इस्तेमाल किया है, ऐसे ऐसे उनके खिलाफ जो बात हुई थी सारे देश में कृषक आत्महत्या को लेकर, क्या वजह था इस बारे में? वो अफवाह है, वो अफवाह मोदी के विरुद्ध वो लोग इकट्ठा होकर अफवाह फैला रहे थे कि जनता भ्रम में पड़ जाए और अपने सच्चे नेता को नहीं चुन पाए, लेकिन हमारे जनता जो है समझदार थे और वो सच्चे नेता को चुन लिए और देश बहुत तरक्की करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी और 5 साल पहले भी उन्होंने था और फिर क्या हुआ इस 5 साल से उन्होंने जो काम किया और इस 5 साल में उसकी उम्मीद क्या है? उनकी उम्मीद तो बहुत अच्छी उम्मीद है अपने इस भारत को भविष्य में और आगे ले जाने का। आप क्या चाहते हैं इनसे? यही क्या ये लोकतंत्र उनके समय में बहुत जड़ रहा और आगे भी और रहेगा मजबूत और भ्रष्टाचारी भी कम रहेगी, उन्होंने बोला ये। देश भर में जो मोदी लहर चल रही है इस वक्त सारे विरोधी जो हैं वो चुप बैठेगी चुप बैठेगी, क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ मोदी की मैजिक है? सर्जिकल स्ट्राइक 2 जो हुआ था तब विरोधी ने बहुत सारे प्रश्न उठाया था उनके विपक्ष, क्या बदल का विश्वास? ऐसा है कि विपक्ष तो यानी जो अपने तुलना से ही अगले आदमी को तोलते, कोई भी व्यक्ति हो उसकी जो धारणा होती है वो अगले आदमी में कोई धारणा देखता है, लेकिन वो मोदी में नहीं है। मोदी एक देश के लिए बहुत ही अग्रसरणीय नेता यानी प्रधानमंत्री है। आप लोग मांगना क्या चाहते हैं उनसे? एक मिडिल क्लास फैमिली होने के नाते यही पूरे देश के लिए वो सही ईमानदारी से काम करें, यही उम्मीद है सारी जनता की। তার মধ্যে অন্যতম একটা চাহিদা হচ্ছে যে দেশ আরো এগিয়ে যাক এবং আরো উন্নতি হোক দেশের। যখন ভোটের রেজাল্ট বেরোনোর পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন বিজেপি হেডকোয়ার্টার থেকে প্রেস কনফারেন্স করেন তখন কিন্তু তিনি সেখানে বারবারই বলেছেন যে তার এক এবং অন্যতম লক্ষ্য হল যে দেশের আরো উন্নতি এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। যখন সার্জিক্যাল স্ট্রাইক 2 হয়েছিল তখন বিরোধীরা কিন্তু অনেক প্রশ্ন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে, সেই সব প্রশ্নকে মিথ্যে প্রমাণ করে দিয়ে এবং রাহুল গান্ধীর স্লোগান চৌকিদার চোর হ্যায় সেই স্লোগানকে মিথ্যে প্রমাণ করে দিয়ে এই মুহূর্তে কিন্তু আবারও জয়ী হয়েছে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি সফল প্রমাণ করেছেন নরেন্দ্র মোদী। সাধারণ মানুষের যে চাহিদা তিনি আরো দেশকে এগিয়ে নিয়ে যান এবং সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য তিনি বেশ কিছু প্রকল্প আনুন যাতে উপকৃত হয় দেশের জনতা এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্থান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্থানে যেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতকে তুলে ধরেন এমনটাই আশা করছেন তারা। দেখতে থাকুন সঙ্গে থাকুন www.thepeopletv.com।